आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए तो इतना इजीली 3 स्टार हो चुका है और मैं तो इतना मैच भी नहीं है, मैं हीरोज भी इतना मैच है विदाउट टीम 3 स्टार किया तो सोचिए सब तो इतना इजी अटैक से जो है स्पैम अटैक। हाय क्लासर्स, कैसे तुम सभी, मैं आपका दोस्त गेमिंग ऑन 7.2। तो ये वाला वीडियो में मैं तो अटैच सीरीज के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो उस अटैच सीरीज का नाम है जाइबो, विच आपने आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल पे देख लिया होगा। तो ये वाला अटैच सीरीज ओनली स्पैम अटैच सीरीज है और ये बहुत ईजी अटैच सीरीज है। मैं अटैच सीरीज है तो मैं ईजीली भी सिखा दूँगा, बहुत ईजी है। तो अभी मैं लो हीरोज के साथ खेल सकता हूँ, 32 का क्वीन एंड किंग का अपग्रेड पे विदाउट किंग भी किया, तो सोच ही सकते हो इतना ईजी अटैच सीरीज होगा। और मैं ऐसे भी T9 से रस आया रहा, फुल रस नहीं ओनली हीरोज का साथ रस आया, बाद से तो मैच किया तो मेरे T10 में ओनली 1 मंथ हुआ है तो बहुत ओनली 50% मान मैच हो गया। तो बहुत ईजी अटैच सीरीज है, तो अगर जरूर देखना इस पूरा वीडियो को। तो अपने तभी अभी तक लाइक मीडिया लाइक फटाफट कर दो और इतने अभी तक चैनल का सब्सक्राइब मीडिया फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन 8 जाइंट 8 विकेट 2 पेक्का 9 बॉलर 2 हीलिंग 2 रेज 2 फ्रीज 1 पॉइजन। तो ये बहुत इजी से ये अटैच सीरीज है। तो हमें बात करेंगे और CC में चाली के जाना, CC में भी हमें बात करते हैं, CC में क्या ले जाना, CC में क्या आना है 1 जाइंट 5 बॉलर 1 वर्ल्ड ब्रेकर मतलब WW ऑन 1 पॉइजन। तो बहुत ईजी अटैच सीरीज ले सकते हैं आपका, इसलिए 3 स्टार हो जाएगा। मैक्स मिलने से आपका और भी ये सब क्यों ना आप वार में भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ईजी अटैच सीरीज, ओनली स्पैम, सिर्फ स्पैम करना आपका अटैच बहुत ईजीली 3 स्टार हो जाएगा। तो चलते हैं अटैच के ऊपर। तो ये हमारा बेस देख सकते हो तो इतना मैच है और मैं 2 बेस को इतना मैच नहीं है ओके ना, देख सकते हो इतना रस मतलब मेरे ट्रूप्स ना रस है तभी पूरा फुल्ली मैच ओनली हीरोज ही बाकी से अपडेट करना, तभी मेरे से पूरा 3 स्टार कर लिया ओनली 1 मिनट 54 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग जाइंस लेना है, वो जाइंस आप लोग ले लेना है मतलब उसको पकड़ लेने के बाद आपको देख सकते हो अभी भी आप जाइंस लेने के बाद आप लोग जाइंस को रो पे आपको छोड़ना है मतलब लाइन पे, कहाँ से भी अटैक कर सकते हो कहाँ से भी अपना कोई भी साइड से मन चाहे उस साइड से अब लाइन पे छोड़ना है। फिर सब कैसे आप सब डिफेंस का जाइंट के ऊपर एट्रेक्टिव हो रहा है मतलब उसे सब अटैक करना शुरू हो जाता है, पीछे से 20 चेस छोड़ देना लाइन पे ओके ना, लाइन टू लाइन सब ठीक है ना, सब पीछे से लाइन फिर जैसे पीछे छोड़ देंगे आप लोग तो फिर आपको पीछे छोड़ देना है बॉलर ओके ना, बॉलर तो बॉलर छोड़ देना है जाइंट सब डिफेंस सब अटैक करने के बाद ही आपको सब छोड़ना होना, आप डायरेक्ट छोड़ दे तो नहीं हो रहा अटैक अच्छा से ओके ना, आपको लाइन टू लाइन छोड़ना है और आपको सब जाइंट्स के ऊपर अटैक करने बाद करना है। फिर आपको फनल का वेट करना, फनल हो जाने के बाद आप लोग छोड़ना WW मतलब वर्ल्ड ब्रेकर, फिर आपका वर्ल्ड ब्रेकर कैसे दीवार तोड़ेगा तो आपको पेका एंड क्वीन दोनों डाल देना है, नहीं फनल होने के बाद आपको वर्ल्ड ब्रेकर छोड़ना है, उसका पहले मत छोड़ना और दीवार तोड़ने के बाद ही आप लोग पेका एंड क्वीन छोड़ना है ओके ना, उससे पहले आपको कुछ भी मत करना, फनल होने के बाद WW मत छोड़ना वरना आपका वो सब बाहर चला जाएगा और पेका भी बाहर चला जाएगा फनल होने के बाद। तो फनल हो जाने के बाद आपका सब ट्रूप्स अंदर आ जाएगा, पेका भी अंदर आ जाएगा, तो फिर आपको ये सब स्पेल यूज़ करना ओके ना। तो देख सकते हो मैं स्पेल यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ्रीज तो ओनली इन्फर्नो का ऊपर ही किया और हील रेज क्योंकि आप तो ध्यान रखना है आपका इतना रेज ना वो तो उन्हें CC के बॉलर से उसका ऊपर इतना होना चाहिए और वो CC का बॉलर से जो टाउन का पास आके फूटेगा कोड में आएगा तो कोड पर आके आपको एक रेज छोड़ देना है और एक हीलिंग भी आप स्पेल तो अपने आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ईजी अटैक से आप इजीली तो 3 स्टार कर सकते हो। तो म्यूजिक का सुनकर वीडियो का मजा उठाइए। तो देख सकते हो बहुत ईजी फेस्टा हो चुका है, हो जाएगा अभी हो ही गया 98% हो गया, तो बहुत ईजी फेस्टा हो गया। तो बहुत अच्छा टच है उन्होंने स्पैम टच से, तो आप लोग बहुत ईजीली इसको 3 स्टार 2 बेस के ऊपर कर सकते हो। तो आप लोग वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना
अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के टाटा बाय बाय। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying.